प्रीवियसली ऑन अदीम स्टूडियो। जब मैंने प्रीमियर शुरू किया और आफ्टर इफेक्ट शुरू किया तो इसके अंदर जो ग्लिच इफेक्ट था ना वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। लोगों ने मेरे लोगो के बारे में बड़े सवाल उठाए कि यार ये लोगो मेरा कोने में यहाँ घूमता है ना वीडियो के, ये कैसे होगा, क्या आसान है, क्या मुश्किल है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऑफकोर्स आप कर पाएंगे यार, आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने ये बनाया था, आपको मैं सिखाऊंगा कि प्रीमियर के अंदर कैसे बनता है। प्रीमियर के अंदर बहुत इजी है इसको डेवलप करना और मेरी कोशिश होगी कि आफ्टर इफेक्ट्स से अच्छा बना के दिखाऊं, कम से कम मेरे इस लोगो से तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि मेरा लोगो बड़ा सिंपल सा है। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है अगर आपका गेमिंग चैनल है, खाने पकाने वगैरह का, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स है, कोई टेक्निकल है, तो साइड से लोगो आता है ना इस तरह एनिमेट करता है तो बड़ी फ्रेश फीलिंग, बड़ी प्रोफेशनल फीलिंग आती है। तो बगैर डिले किए चलते हैं प्रीमियर पे और लैपटॉप मेरे पास है, यहीं बनाएंगे इसको, ख़त्म करेंगे, एडिट मैं बाद में करूँगा लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको रात में अपलोड कर दूँ इंशाल्लाह। चलते हैं प्रीमियर पे। अच्छा अभी मैं आ गया हूँ प्रीमियर के अंदर और यहाँ मैं आपको सबसे पहले तो दिखा दूँ कि जिस लोगो पे काम करेंगे वो इन दिन लगेगा कैसे, क्योंकि पहले से मैंने एक रेंडर तैयार करके रखा हुआ है, सैम्पल रेंडर। और कुछ ये जो साइड पर नज़र आ रहा है आपको ये चीज़, ये बनाएंगे विदाउट साउंड इफेक्ट होगा ऑफकोर्स, जब वीडियो में आप साउंड चलाते हैं इस तरह की म्यूज़िक के साथ तो फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सिखाऊंगा ज़रूर कि साउंड कैसे ऐड कर दिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये फाइल्स हैं, ये मैंने कॉपी की, यहाँ ड्रॉप की, इसके बाद मैं लोगों की लेयर के मुताबिक इनको लेके जाऊंगा। सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ओके 100% फिट करना है। नंबर दो पे ये मुझे नहीं चाहिए, नेम, इसके बाद ये इसके नीचे आएगा ऐसे, और नाइट जो है ये इन दोनों के नीचे है। तो ये हो गया लोगो, इसको करना है एनिमेट और ये मैं खींच के लेके आऊँगा 10 सेकंड तक। वाह बेहतरीन हो गया, और इसको करूँगा मैं सेव एहतियातन, कोई मसले मसाइल पैदा ना हो जाए। फाइल नंबर 6 कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टार पे काम करूँगा, जो पीछे इसका स्टार है उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरी नज़र में स्टार ये, इसको मैं थोड़ा सा को आगे लेके जाऊंगा इसलिए कि इसकी स्पेस मुझे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये आए इसके बाद बाकी चीज़ें आए बारी बारी। तो इफेक्ट्स में जाऊंगा, इफेक्ट्स में जाके मुझे ढूंढना है बेसिक 3D, ये मैंने यहाँ से उठाया इसके ऊपर फेंक दिया। इफेक्ट्स कंट्रोल पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट्स कंट्रोल पे आऊँगा और यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिस्टेंस पे काम करूँगा मैं, इसको अपने स्टार्ट पे रखना है और एक स्टॉप वॉच की ऐड करनी है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये इतने साइज से स्टार्ट हो, यानी यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे आके ये ज़ीरो पे आ जाए। एक की फ्रेम और ऐड करूँगा, वैल्यूज की कर दूँगा मैं 0। अब ये क्या होगा ऐसे, और मैं चाहता हूँ कि ज़रा ईज़ रहें दोनों चीज़ें, ईज इन हो, ईज आउट इसमें कुछ है नहीं, दोनों चीज़ें ईज इन होगी आराम से। और मैं ये चाह रहा हूँ यार कि जब ये यहाँ पे आए ना इस जगह पे, तो साथ ही जब ये यहाँ पहुँचे तो ये रिवॉल्व करना शुरू कर दे, बल्कि यहीं से रोटेट करे, यानी कि एक ही मैंने यहाँ दी, इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ तक ये रोटेट करे, चलो एंड तक कर ले, ऑफ कोर्स रोटेट कितना करे, तकरीबन
तकरीबन 80 सही है। ज़बरदस्त, इसको मैं करूँगा सेव। इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो नाम है ना वो आए, तो इस की को मैं फिर लॉक कर देता हूँ। और नाम वाली की जो है, मेरे ख्याल में नाम वाली रील है वो ये है, किधर गई यार, ये मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ये साइलेंट नाइट लिखा आ रहा है ये आए। ओके, और ये भी मैं चाह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस से होके आए। इसके लिए मैं अगेन बेसिक 3D के बाद मैं इसका डिस्टेंस, और इसको मैं ज़्यादा यहाँ से लेके आना चाह रहा हूँ, बस दैट्स इट, यहाँ से यहाँ, ज़्यादा दूर नहीं करना आपने। इसकी ज़ीरो वैल्यू आएगी, आप चेक करते हैं, ओके। इसके बाद आना चाहिए ये चीज़, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे तो मैं यहाँ पे लेके आऊँ। अच्छा, इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि यार ये बजाय इसके कि स्केल इन आउट हो, इसके लिए नई चीज़ करते हैं, बेसिक 3D में आप आए ये चीज़ टिल्ट से, ठीक है, टिल्ट आपने सेलेक्ट करना है 39, और एक की देनी है, और जब यहाँ पे आए, और हमें ये चेक करना है कि जो ऊपर इसका नाम है ना वो जब अपनी जगह आके बैठे प्रॉपरली, तो फिर जो टिल्ट की है वो अपना जादू दिखाए, वो वापस आए नीचे, यानी कि यहाँ पे। तो एक की फ्रेम में यहाँ दूंगा और उसकी वैल्यू कर दूंगा 0। अब चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ है। ये पीछे इसके आ रहे या नहीं आने चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मज़ीद इसकी रील में थोड़ी छोटी कर दूँगा, कर दिए बल्कि, ओके, यहाँ तक एनिमेट हो गया। अब साहब मुझे चाहिए बंदा, अब इसकी बारी है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं देख लूँ मैंने किया क्या था, सैम्पल एंडर बंदा कैसे था, ओके टिल्ट ओके आ रहा है, ओके। इसके लिए भी बेसिक 3D, और बेसिक 3D के बाद इसका मैं ये इफ़ेक्ट दूंगा जो टॉप का है, स्वाइवल इफ़ेक्ट, लेकिन ये शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से करता हूँ, स्टार्ट में, जब ये सारा एनिमेट हो जाए ना, यहाँ पे रुक गया यहाँ पे, तो यहाँ से इस बंदे को जो भी है, भाईजन जो भी है, पता नहीं कौन है, एक की देनी है इधर, और थोड़ा सा आगे करके इसकी कर देना हमने 0। अब ज़रा ट्राई करते हैं, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि बोरिंग लग रहा है, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। इसके पीछे मैं चाहता हूँ कि स्मोक आए, जब ये इफ़ेक्ट अपना पूरा करे और जाके स्टैंड बाय करे, इसके पीछे स्मोक आना चाहिए। तो स्मोक इफेक्ट मेरे पास है, मैंने क्या खोल दिया यार, ये
ओके शॉकवेव देना है मुझे इसके बैक पे, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन मुझे ये देखना है कि यार जब बिल्कुल सही जगह पे आना चाहिए, कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ बुरा लग रहा हो, फेक लग रहा हो, मतलब अनप्रोफेशनल लुक ना आए। तो आपने बिल्कुल इसको वहाँ से स्टार्ट करना है। नहीं मेरे ख्याल में सही है, जबरदस्त। थोड़ा सेंटर में करना है, मुझे नहीं लग रहा सेंटर में ही, यहाँ पे थोड़ा बाद में आ रहा है। थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है इसका। फर्स्ट क्लास। अब एक म्यूजिक भी तो आना चाहिए ना यार, ब्लास्ट का। म्यूजिक थोड़ा यहाँ पे, ये चीज मेरे अजीज। और ये लोगो आपका रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इन सब को करूँगा नेस्ट। और क्यों करूँगा मैं बताता हूँ आपको। लोगो मैं 10 सेकंड से कम करके तकरीबन 7 पे लेके आना चाह रहा हूँ, इसके बाद एक नई ट्रांसमिशन शुरू हो जाए। ये सब चीज़ें मैंने बराबर की, नेस्ट किया, ओके। इसके बाद मैं आऊँगा बेसिक पे, इफ़ेक्ट्स पे, और स्लाइड इफेक्ट, स्लाइड के नीचे क्या नाम था इफेक्ट का, वेब। यस ये मुझे आना है यहाँ पे। ये क्यों है बताता हूँ आपको। इसलिए इसको मैंने किया सेव, ओके। अब मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, कोई वीडियो वगैरह, पहले इसको मैं करता हूँ क्लोज। ये वीडियो है जिसके ऊपर मुझे ये लोगो ऐड करना है इसके साइड पे। सो इसके साइड पे मुझे लोगो लेके आना है। मैं अपना जो पुराना प्रोजेक्ट था उसे ओपन करता हूँ, पता नहीं 6 था शायद, यस। अच्छा इस पे मैं क्लिक करूँगा नेस्टेड पे, और मैं इसका साइज़ कर दूँगा 50, बल्कि 50 नहीं बल्कि 25, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल पी, और इसके एंड पे आके जहाँ खाली रील है वहाँ पेस्ट कर देना है। अब मुझे इसको पिक करना है यहाँ से, और यहाँ ऊपर रख देना। दैट्स इट, लोगो आ गया। मैं इसको मूव करता हूँ साइड पे, पता है कैसे मूव करना है यार, इफेक्ट्स का जो पैनल है, इफेक्ट्स कंट्रोल का, वहाँ ले जाके साइज़ बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में, इसको करते हैं छोटा, इतना काफ़ी है। और अपने हिसाब से आप सेटिंग कर लें, आप जहाँ आपको चाहिए, जैसा आपका लोगो है। अच्छा जब ये शुरू हो रहा है तो एक बॉक्स जैसे लग रहा है कि जो स्टार है वह किसी बॉक्स से निकल के आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आप डिज़ोल्व लिखें इधर, और क्रॉस डिज़ोल्व को इसके ऊपर लेके आ जाएं, ठीक है। और जो इसकी इफ़ेक्ट का टाइमिंग है इसको बढ़ा दें, ड्यूरेशन बढ़ा दें, अब सही है, ओके। वीडियो कॉपी की, आगे लिखे आऊँ क्योंकि मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ जस्ट। फिर आपने क्या करना है, इसी नेस्टेड जो सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंस, इसको ऑल दबाएं और माउस से इसको एक और कॉपी बना लें। मेरा नहीं ख्याल कि म्यूज़िक अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैं सिखाने के लिए बता रहा था, लेकिन मुझे इसको करना है डिलीट, क्योंकि ये मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मुझे अपना साइलेंट लोगो चाहिए साइड पे चलता हुआ। बस फिट 100 करता हूँ मैं इसको, और ये आपकी वीडियो का कोना है। अब इसको करते हैं ब्रांड, क्वालिटी बहुत बुरी है, इसको मैं करता हूँ स्टॉप।
अरे यार फुल, अब इसको देखते हैं पूरी तरह प्रॉपरली फुल रेजोल्यूशन पे। बस जी इतनी सी गेम थी, हो गया, दैट्स इट। बस यार ये इतना सा काम था, बस आपने टूल्स में रखने और ये टेक्निक फॉलो करनी है, और इन टेक्निक्स के साथ साथ आपने अपनी क्रिएटिविटी इस चीज़ के अंदर लेके आनी है, ताकि आप अपने लोगों पे इससे बेहतर काम कर सकें अपने लोगों के मुताबिक। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो सवाल करें, कमेंट करें, पूछें, मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूं। अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे पाया यार तो बड़ी माजरत, क्योंकि टाइम का बड़ा इशू है। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।